सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे, चैप्टर नंबर 12, दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखो, इसमें हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। कितने कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं? तीन कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। क्या क्या? कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन क्या क्या है। एक्स वाई प्लेन है, देन वाई जेड प्लेन है, देन एक्स जेड प्लेन है। अब ये तीनों प्लेन में कुछ कोऑर्डिनेट जीरो भी होते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन की बात करें तो z इक्वल टू जीरो रहता है इसमें, है ना। और y z प्लेन की बात करें तो यहाँ x इक्वल टू जीरो रहता है और x z प्लेन में y इक्वल टू जीरो, यानी y का कोऑर्डिनेट जीरो होता रहता है x z प्लेन में। ठीक है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल हो गया x एक्सिस, वर्टिकल हो गया आपका y एक्सिस और ठीक आगे की ओर क्या है, z एक्सिस। ठीक है, तो इसको आप इमेजिन भी कर सकते हो। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, रूम के कॉर्नर में देखो, तीन एक्सिस आपको दिख रहा होगा, उसको एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई और एक जेड। ठीक है, और ये तीनों एक्सिस जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, एट पार्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट, है ना, ऑक्टेंट्स। तो इसमें कितने ऑक्टेंट हो गए, एट ऑक्टेंट। और डिफरेंट ऑक्टेंट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डिफरेंट साइन भी होती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको ऑलरेडी इजी वे बता चुकी हूँ कि कैसे आप उसको मेमोराइज कर सको। ठीक है, तो जैसे आप इस तरह से ये फिगर को इमेजिन करो कि आप जैसे यहाँ खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस और ठीक सामने की ओर क्या है, जेड है, यानी सामने की ओर जेड पॉजिटिव है और पीछे की ओर जेड नेगेटिव है। ठीक है, और एक्स वाई का तो आप किधर पॉजिटिव होता है किधर नेगेटिव होता है वो तो जानते हो। जैसे ओरिजिन की राइट हैंड साइड की ओर देखें तो एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की ओर नेगेटिव, वाई है अपवर्ड में पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। ठीक है, तो कभी भी z अगर पॉजिटिव की बात होती है, यानी कि z कौन से ऑक्टेंट में होगा, सो मतलब कि कभी भी आपको कोई पॉइंट गिवन है उसमें आप z के कोऑर्डिनेट को देखो, आइदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो आगे वाले चार बॉक्सेस में होगा, यानी यहाँ हो सकता है फर्स्ट, सेकेंड, ओके, ये हो गया आपका थर्ड ऑक्टेंट और ये हो गया आपका फोर्थ ऑक्टेंट। और वन के ठीक पीछे में क्या है, फिफ्थ ऑक्टेंट, यानी इधर मतलब कि पीछे वाले चारों बॉक्सेस में, चारों ऑक्टेंट में, फाइव सिक्स सेवन एट में जेड क्या रहता है, नेगेटिव होता है। इधर हो गया सिक्स ऑक्टेंट, है ना। थ्री के पीछे में क्या है, सेवन ऑक्टेंट है और फोर के पीछे में क्या है, एट ऑक्टेंट है। क्लियर है? तो इस तरह से मैं आपको बताई थी कि साइन को आप कैसे याद करो, है ना। तो वो आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो यहाँ पर आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो क्या है। ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में भी थे, है ना। सो यहाँ पर देखो क्या है, थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। देखो तीन वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम। सबसे पहले यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखो, ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिसका आपको तीन वर्टिसेस गिवन है। नेम दे देते हैं एबीसीडी। ठीक है, देखो, सो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, थ्री माइनस ऑफ वन एंड टू। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, वन टू माइनस ऑफ फोर। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन वन एंड टू। ठीक है, और आपको डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यानी कि फोर्थ वर्टेक्स आपको बताना है। सो इसको कुछ लेट कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट डी फोर्थ वर्टेक्स बी, डी ले लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड ले लिए। ठीक है, अब इसका कुछ दो डायगोनल भी तो होगा, डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ए सी एक डायगोनल और ए हो गया एक बी डी डायगोनल। ठीक है, दो डायगोनल हो गए, एक ए सी और एक बी डी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी एंड बी डी बी आदि डायगोनल्स। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है ना। अब देखो, AC का अगर हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये भी यहीं पर आएगा, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यही आएगा। तो वी कैन से दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर हो रहा है?
देखो दो आपका डायगोनल हो गया ना, एक AC और एक BD। AC का मिड पॉइंट निकालें तो ये कुछ नेम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट का P दे देते हैं, ये P आएगा। BD का भी मिड पॉइंट क्या है? P है। तो वी कैन से दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आप AC का मिड पॉइंट निकाल सकते हो, यानी P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, यानी आप P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी x1 प्लस x2 है ना। यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। y का देखो माइनस 1 और इधर प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 बाय 2। उसी तरह z का कोऑर्डिनेट देखो 2 प्लस 2, ओके 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट निकल गया ऑफ AC का। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी। देखो 2/2 दैट इज 1, इधर हो गया 0 और इधर पे हो गया 4/2 यानी 2। ठीक है, अब देखो BD का भी मिड पॉइंट है P है ना, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। अब निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यहाँ पर आप देखो मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ BD का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा। देखो x है यहाँ पर, x प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x प्लस 1/2, ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। y देखो क्या है, y प्लस 2/2, यहाँ लिख देते हैं y प्लस 2/2। और z का कोऑर्डिनेट बताओ, z प्लस या माइनस ऑफ 4 है ना, तो z माइनस ऑफ 4/2। ठीक है, तो सिंपल यहाँ जैसे मैंने लिखा था क्या, मिड पॉइंट ऑफ ये वाला देखो, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट ऑफ AC ये निकाले हो और मिड पॉइंट ऑफ BD ये है, इट मींस दैट देयरफॉर ये वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 बाय 2, y प्लस 2 बाय 2 और इधर हो गया z माइनस ऑफ 4 बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू, ये वाला कोऑर्डिनेट लिख दो 1 0 2, है ना। तो सिंपल आपको वैल्यूज क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। सिंपल इक्वेट करते हैं, x का कोऑर्डिनेट ये है यानी x प्लस 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2 माइनस ऑफ 1 यानी x इक्वल टू 1 आ गया। अब y निकाल लेते हैं, y प्लस 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 2। अब z देखो, z माइनस ऑफ 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 है ना, तो z इक्वल टू 4 और इधर पे हो गया प्लस 4 यानी z इक्वल टू 8। ओके, यानी आपको फोर्थ वर्टेक्स क्या मिल गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 और z हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ गिवन पैरेललोग्राम ABCD। ये आपको फाइंड आउट करना था फोर्थ वर्टेक्स है ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 माइनस ऑफ 2 और 8। ओके, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो जैसे देखो कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेना, तो उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्या उसको क्वेश्चन में गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ द मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ABC। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल है जिसका आपको 3 वर्टिसेस हो गए ABC, उसका कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तो लिख लेते हैं 0 0 6 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 0 4 0 और C का कोऑर्डिनेट क्या है 6 0 0। ठीक है, तो ये तीनों वर्टिसेस का तीनों का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है। ओके, अब देखो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ABC, यानी ये जो तीन वर्टेक्स आपको गिवन है ना, इससे आपको मीडियन ड्रॉ करना है और उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं है ना, ए से ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसका नेम देते हैं डी और ये एक मीडियन हो गया, इसका नेम देते ई और इधर पर भी सी से एक मीडियन ड्रॉ कर दिए, ये हो गया एफ नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका AD, BE और CF आदि 3 मीडियंस विद वर्टेक्स ABC। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो AD और क्या है BE और CF आदि मीडियंस विद वर्टेक्स ABC। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, AD, एक मिनट यहाँ पर
VE होगा, ठीक है ठीक है. सो ये क्लियर हो गया ना, AD, BE और ये CF आर दी मीडियंस विद वर्टेक्स A, B एंड C, यानी ये तीन वर्टेक्स आप मीडियन ड्रॉ किए हो, ये क्लियर हो गया. ये तीनों मीडियन का आपको क्या है, लेंथ फाइंड आउट करना है. तो देखो कभी भी लेंथ फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो, है ना. तो यहाँ पर देखो A का आपको कोऑर्डिनेट तो पता है एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें. तो ऑलवेज रिमेम्बर कभी भी कोई मीडियन ड्रॉ करते हो ना, जैसे यहाँ AD एक मीडियन ड्रॉ किए, तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया ना, तो यहाँ पर लिख लेते D, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ BC. E किसका मिड पॉइंट है, AC का, है ना, एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. क्लियर हुआ कि देखो AD, BE और ये CF तीन मीडियन हो गया, ओके. और मीडियन जैसे हम लोग A से ड्रॉ किए ना, तो D पे आ रहा है, तो D हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ BC, E हो गया मिड पॉइंट ये वाले साइड का और F हो गया मीडियन इस साइड का, ठीक है. तो वही चीज हमने लिखा है क्या कि D, E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, AC एंड AB. क्लियर है. अब देखो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला आप D, E और F का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है ना. तो यहां लिख लेते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D, है ना. D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना. तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, 0 + 6/2, वाई का कोऑर्डिनेट देखो 4 + 0/2, ठीक है. अब जेड का कोऑर्डिनेट देखो 0 + 0/2, यानी 0 लिख दो डायरेक्ट, है ना. तो आपको डी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, यहाँ देखो 6/2 यानी 3 और 4/2 यानी 2 और 0, ठीक है. तो ये आ गया आपका डी का कोऑर्डिनेट. इन द सिमिलर वे ई और एफ का भी निकाल सकते हो, है ना. तो बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ठीक है. अब देखो ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है ना. तो यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट को आप देखो, है ना, ई का आप कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, 0 + 6/2, ठीक है. अब वाई का कोऑर्डिनेट देखो 0 + 0/2, यानी 0 डायरेक्ट लिख देते हैं. जेड क्या होगा, 6 + 0/2, ठीक है. तो आपको ई का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बताओ, यहाँ पर देखो 3 आ गया, 0 और इधर 3, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई भी फाइंड आउट हो गया, डी भी फाइंड आउट हो गया. अब क्या बच गया, एफ बच गया. तो एफ भी निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, ठीक है. अब बताओ एफ किसका मिड पॉइंट है, ये वाले साइड का, है ना, ए बी का. अब ए और बी के कोऑर्डिनेट को देखो क्या है, 0 + 0/2, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया. वाई कोऑर्डिनेट को देखो 0 + 4/2, ठीक है, 0 + 4/2. अब z कोऑर्डिनेट को देखो 6 + 0/2, क्लियर है. तो आपको f का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0, इधर हो गया 4/2, दैट इज 2, और इधर हो गया 3, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया, d, e और f तीनों आपका कोऑर्डिनेट मिल गया बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना. अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेंथ ऑफ द मीडियन निकालना है, यानी AD की वैल्यू चाहिए, BE की वैल्यू चाहिए और CF की वैल्यू चाहिए, ओके. तो यहाँ पर फिर से एक बार ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ए बी सी, आपको मीडियन की लेंथ चाहिए ना, यानी ए डी आपको चाहिए, और ये हो गया आपका, इधर नेम दे दिए थे ई, और इधर हो गया आपका एफ, ठीक है. आपको देखो डी का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया था, यहाँ मैं सारे कोऑर्डिनेट भी लिख लेती हूँ, 0 0 6, ठीक है. तो यहाँ पर देखो 0 0 6, बी सी का कोऑर्डिनेट क्या था, 6 0 0, 6 0 0, ठीक है. और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 0, इधर हो गया 0 4 0. एफ का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं क्या है, 3 2 0, ठीक है. डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 2 0. ई का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3 0 3, है ना, ये हो गया 3 0 3. अब एफ का कोऑर्डिनेट भी देख लो क्या है, अभी निकाले हैं 0 2 3, ठीक है. तो ये हो गया आपका 0 2 3.
ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है, वो निकालते हैं। लेंथ ऑफ मीडियंस आर, ठीक है, तो यानी एडी निकालते हैं, एडी का लेंथ। तो देखो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज़ ए का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है एंड डी का कोऑर्डिनेट भी पता है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स का कोऑर्डिनेट। अब वाई के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, टू माइनस जीरो का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब जेड का कोऑर्डिनेट देखो इधर क्या है, जीरो माइनस ऑफ सिक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई देखो, इसको सॉल्व करते हैं, थ्री का स्क्वायर कर दिया नाइन, इधर हो गया फोर और इधर हो गया 36, यानी कि 49, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7, ओके। तो आपको लेंथ ऑफ ए डी क्या मिल गया, 7। अब उसी तरह से बाकी दोनों मीडियन निकालते हैं, यानी कि बी ई की वैल्यू निकालते हैं। बी ई क्या है देखो, यहाँ पर देखो देखो बी का कोऑर्डिनेट भी पता है, ई का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0, एक्स का कोऑर्डिनेट देखो, ठीक है। अब वाई का कोऑर्डिनेट देखो, 0 माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब जेड का कोऑर्डिनेट देखते हैं, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया यानी 9 और 4 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर यानी 16 और ये हो गया 9, 34, ठीक है। तो ये आपका मीडियन बी ई निकल गया। अब ठीक है, अब निकालते हैं सी एफ, सी एफ निकालते हैं, ओके। सी एफ का लेंथ देखो, देखो सी का भी आपको कोऑर्डिनेट पता है, एफ का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ओके। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया आपका एक्स का कोऑर्डिनेट। वाई के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 0 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया, ओके। और जेड का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर किया यानी 36 और इधर हो गया 4 और इधर पे हो गया 9, यानी कि ये हो गया 49, रूट ओवर 49 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आपको तीनों मीडियन का लेंथ फाइंड आउट हो गया, ये हो गया ए डी बी ई एंड सी एफ। द लेंथ ऑफ द मीडियन, द लेंथ ऑफ द मीडियन, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, क्या क्या आ गया देखो, 7 है, ओके, रूट अंडर 34 और ये हो गया 7, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आप ये ध्यान में रखना है, जो मीडियन रहता है, जैसे ए डी इज द मीडियन, तो डी जो रहता है वो डी मिड पॉइंट होता है वो वाले साइड का यानी बी सी का, उसी तरह ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस, देखो पी क्यू और आर ये तीनों वर्टिसेस का आपको कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ये तीनों का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस है पी क्यू और ये आर, कुछ कोऑर्डिनेट भी गिवन है क्वेश्चन में। देखो क्या क्या है, 2a है, 2 और 6, q क्या दिया, q का कोऑर्डिनेट क्या है देखो, माइनस ऑफ 4, 3b और माइनस ऑफ 10। r का कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 14 एंड 2c, क्लियर है। तो ये देखो, ये तीनों आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या निकालना है, abc की वैल्यू निकालनी है। देखो सेंट्रोइड यहाँ पर कहीं होगा, तो सपोज कर लो o नेम दे देते हैं सेंट्रोइड का, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट o बी दी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू पी क्यू आर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, यहाँ पर आपका सेंट्रोइड होगा कहीं, तो लेट ओ बी दी सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो आप कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकाल सकते हो, भाई ओ क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विच इज इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ लिख लेते हैं 2a, x2 क्या है माइनस ऑफ 4 और x3 क्या है प्लस 8 बाई 3। तो ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट, इन सिमिलर y का कोऑर्डिनेट बताओ, 2 प्लस 3b, 2 प्लस 3b और इधर पे प्लस 14 डिवाइड बाई 3। अब z का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 6 माइनस ऑफ 10 और ये हो गया प्लस 2c डिवाइड बाई 3,
ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकल गया, बिकॉज ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल PQR, है ना। अब देखो सेंट्रोइड के बारे में आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन, है ना, सेंट्रोइड ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 0 0, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन दैट सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन, ठीक है, यानी कि ओ का आपको कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया, 0 0 0, ठीक है, यानी ये भी कोऑर्डिनेट ओ का है, ये भी कोऑर्डिनेट ओ का है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2a, इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और इधर y का कोऑर्डिनेट क्या है, 3b प्लस 16 और डिवाइड बाई 3, और z का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर देखो 2c और माइनस ऑफ 4, 2c माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये हो गया आपका O का कोऑर्डिनेट एंड विच इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, ये इक्वल क्यों है, बिकॉज बोथ आर द कोऑर्डिनेट ऑफ O, ठीक है। अब देखो x का कोऑर्डिनेट ये है, ये भी x का कोऑर्डिनेट, तो सिंपल यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस 4 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ पर देखो y का कोऑर्डिनेट क्या है, 3b प्लस 16 बाई 3, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3b प्लस 16 बाई 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हो गया आपका z का कोऑर्डिनेट यानी 2c माइनस ऑफ 4 बाई 3, तो यहाँ लिख देते हैं 2c माइनस ऑफ 4 बाई 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाई सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, जैसे कि हम लोग फाइंड आउट करना था, है ना। तो यहाँ बताओ 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 माइनस ऑफ 4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 4 बाई 2 यानी माइनस ऑफ 2, a इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ पर बताओ 3b प्लस 0, ठीक है, माइनस ऑफ 16, यानी b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस ऑफ 16 बाई 3, और इधर पे c भी निकाल लेते हैं, ये हो गया 0, ठीक है, और प्लस 4, c इक्वल टू 4 बाई 2, यानी c इक्वल टू क्या मिल गया, 2, ठीक है, तो ये आपका c आ गया, ये b आ गया और ये a आ गया, ओके। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए बी सी की आपको वैल्यू चाहिए थी, है ना, तो ये तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट पी, ये आपको पी का कोऑर्डिनेट गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पॉइंट है जिस जो वाई एक्सिस में है, है ना, वो वाले पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस दे दिया गया है, क्या है, 5√2, उसका लेंथ दे दिया गया है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है वो बोल दिया गया है दैट इट इज इन वाई एक्सिस, तो वो एक लेट का लेते कोई पॉइंट, है ना, यहाँ लिख लेते हैं लेट, लेट द पॉइंट बी ए, है ना, और क्या गिवन है दैट इट इज ऑन वाई एक्सिस, है ना, विच इज on y axis, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन में गिवन था एक पॉइंट है जो y एक्सिस में है, तो हम लोग a पॉइंट लेट कर लिए, ठीक है, तो बताओ a पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, y एक्सिस है यानी y एक्सिस में x और z का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 रहता है, तो सिंपल x का कोऑर्डिनेट 0 कर दो, y का कुछ वैल्यू होगा और ये हो गया z, क्लियर है कि लेट द पॉइंट बी a व्हिच इज ऑन y एक्सिस एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो a का आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0 y 0, ठीक है। अब क्या बोला गया है, a से ये p का आपको डिस्टेंस गिवन है, ये है ना, यानी ap इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 5√2, ये क्लियर हो रहा है, एज पर क्वेश्चन क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट a टू दिस पॉइंट p इज इक्वल टू 5√2, है ना। अब बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला आप ap फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ए और पी का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ए पी इक्वल टू 5√2 है ना, यानी ए पी स्क्वायर अगर हम लोग करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइंड, ठीक है, क्या कर दी, यानी 25 × 2 = 50, ठीक है। अब देखो ए और पी का आपको डिस्टेंस निकालना बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए का भी पता है, बी का, पी का भी पता है, ठीक है, तो ए पी स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ओवर रहता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया,
क्या बच गया, x का कोऑर्डिनेट देखो, 0 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट क्या है देखो, y और यहाँ माइनस रहता और यहाँ माइनस 2 ऑलरेडी है, यानी ये हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब z का कोऑर्डिनेट देखो 0 और 5, 0 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 50। क्लियर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इधर पे हो गया 9 और ये हो गया, इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर हो गया प्लस 4 बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी यानी 4 वाई और ये हो गया आपका 25 विच इज इक्वल टू 50। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं, इधर देखो 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा 13 और 13 और इधर 25 यानी कि 38। ठीक है, इधर हो गया 38 और 50 इधर पे था, माइनस ऑफ 50 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई और माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी वाई की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 12 है यानी 62, यानी यहाँ हो गया 6y माइनस ऑफ 2y और माइनस ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y कॉमन ले लेते हैं, इधर पे देखो y प्लस 6 आ जाएगा, इधर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, y प्लस 6 और इधर पे y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक आ गया माइनस ऑफ 6 और एक आ गया 2। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्या बोला गया था, कोऑर्डिनेट निकालना था, ये वाला a का कोऑर्डिनेट निकालना था ना, वाई की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या क्या आ गया देखो, ये देखो एक माइनस ऑफ 6 है और एक 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 6 0 एंड 0 2 0। ठीक है, तो ये आपका दो कोऑर्डिनेट मिल गया ए पॉइंट का विच इज इन वाई एक्सिस, जैसे बोला गया था वाई एक्सिस में है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और जेड का कोऑर्डिनेट 0 में। ठीक है, और वाई की दो वैल्यू आ गई थी, तो यानी दो आपका कोऑर्डिनेट निकल गया, एक 0 माइनस ऑफ 6 0 और एक 0 2 0। क्लियर है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। बस आप ये ध्यान में रखना कैलकुलेशन में कहीं आप मिस्टेक ना करना, है ना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है, डिस्टेंस फॉर्मुला ही यूज करना था इसमें, है ना। बस आप ये ध्यान रखना पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस में बोला जा रहा है यानी एक्स और जेड जीरो है, एक्स एक्सिस में बोला जाता वाई और जेड जीरो रहता, तो ये चीज आप ध्यान रखना रखना कि कौन से पॉइंट, सो ये आप ध्यान में रखना पॉइंट कहाँ पर है, आइदर वो एक्सिस की बात हो रही है या फिर वो प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट जीरो क्या होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। सो अगर आपको डाउट है तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से देख लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो क्या है, अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4, कोई पॉइंट है आर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 दे दिए गए, पॉइंट है यानी तीन कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, एक्स का कोऑर्डिनेट 4 दी गए है ना, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या बोला गया है, एक लाइन सेगमेंट है, ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया P और Q, कुछ पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है क्या है 2 माइनस ऑफ 3 एंड 4, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 8 0 10। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट का आपको कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, ओके। अब क्या बोला गया, आर कोई पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट में, सपोज कर लो आर यहाँ का ही पॉइंट है, ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई जेड नहीं पता है तो वाई ले लेते हैं। क्लियर है, तो ये देखो यही वाला जो R पॉइंट है ना, इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है, सिर्फ आपका X का कोऑर्डिनेट गिवन है 4 और Y Z नहीं पता है। तो देखो R का पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, है ना। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला आपको रेशियो भी तो नहीं पता है, तो रेशियो भी लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे K is to 1। तो जैसे मैंने बताया था, कभी भी आपको रेशियो लेट करना हो, क्या लेट करना है, K is to 1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, let the point R divides PQ in the ratio K is to 1। ठीक है, तो अब बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या हो जाएगा, by using सेक्शन फॉर्मूला
by using section formula. Okay, so by using section formula, यहाँ पर आप coordinate of R बता सकते हो. Coordinate of R, which is equal to, ठीक है, तो section formula क्या होता है? A into 8, है ना? यानी 8 के, देखो 1 into 2, यानी plus 2, और divide by k plus 1. ये हो गया आपका x का coordinate, y का coordinate देखो, k into 0, यानी 0, और इधर 1 into minus of 3, यानी minus of 3 by k plus 1, ठीक है? कोऑर्डिनेट देखो k into 10 यानी कि 10k और इधर पे हो गया plus 4, ठीक है, और डिवाइड में क्या है k plus 1. क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ r बाय यूजिंग दी सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, अब यहां देखो r का कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था ना 4, यानी दी होल कोऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 4yz. ये आपको क्लियर हो रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? बिकॉज़ x x का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, है ना? तो इसमें सबसे पहले आपको k की वैल्यू चाहिए होगी. तो यहाँ पर सिंपल देख लो, ये भी आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये भी x का कोऑर्डिनेट है, तो सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे, 8k plus 2 divide by k plus 1 and which is equal to 4. तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा, 8k plus 2 which is equal to 4k plus 4, माइनस करते हैं 4k आ गया और इधर पे 2, यानी k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 by 2, मतलब कि r जो ये आपका पॉइंट है, it divides the line segment in the ratio of 1:2. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, therefore the point R divides PQ in the ratio क्या आ गया आपका 1:2. ठीक है, ये आपका ratio आ गया. अब देखो आपको R का coordinate चाहिए होगा, यानी y और z की value चाहिए. ये कैसे निकालें? यहाँ पर हम लोग देखो coordinate of R निकालेंगे, x का coordinate तो आपको already पता है 4, तो ये वाले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ r में क्या करेंगे ना, k की वैल्यू को पुट अप करेंगे और आपका y और z निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं. y कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पर देखो by using जो सेक्शन फॉर्मूला निकाले थे, माइनस ऑफ 3 बाई k प्लस 1, ये आपका y का कोऑर्डिनेट था ना. यहाँ पर आप k की वैल्यू सिंपली पुट अप करो, k की वैल्यू क्या आ गई थी 1 बाई टू पुट अप करते हैं, प्लस 1 सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस ऑफ 6 और डिवाइड बाई 1 प्लस 2, दैट इज 3, माइनस ऑफ 2. ठीक है, यानी वाई का कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया. अब बताओ जेड कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देखो जेड कोऑर्डिनेट ये वाला है 10k+4 डिवाइड बाई के प्लस 1, यहाँ लिख लेते हैं 10k+4 डिवाइड बाई के प्लस 1. के की वैल्यू क्या है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 यहाँ पुट अप करते हैं. ठीक है, और इधर पे हो गया 1 बाई 2 प्लस 1, सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 प्लस 4 9 into 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3. ठीक है, यानी कि ये आ गया 6. ठीक है, तो यहाँ देखो z का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, y का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, और x का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन था 4. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख दो कोऑर्डिनेट of r which is equal to x coordinate 4 था और y और z अभी निकाले हो, minus of 2 6. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, coordinate of r find out हो गया. ठीक है, that is question number 5. क्लियर हो गया? आपको coordinate बोला गया था r point का निकालने, तो by using the section formula आपको coordinate पता चल गया, which is equal to 4 करके अब k की value निकालिए. अब k की value बस इसमें put up किए हैं and you get the coordinate of r. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12. ठीक है, देखते हैं इसको भी. इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, देखो ए और बी कोई दो पॉइंट है जिसका आपको कोऑर्डिनेट गिवन है. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. आपको ये कुछ कंडीशन गिवन है वेयर के इज अ कांस्टेंट. ठीक है, आपको इक्वेशन निकालना ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स और ए और बी आपको कोई दो पॉइंट दे दिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले ये पी पॉइंट जो है इसका कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, है ना. तो लेट डी कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कुछ कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड.
ठीक है। अब जैसे कि आपको कंडीशन क्या गिवन है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, क्या गिवन है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी पी और ए का आपको, ए और बी ये दो पॉइंट है, इसका आपको डिस्टेंस दोनों का सम बोल दिया गया है, इट इज कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग पी ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर पी बी स्क्वायर निकालें, दोनों को ऐड करके के स्क्वायर निकालेंगे और वो उसमें आपको कुछ इक्वेशन आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो सिंपल, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए स्क्वायर आप निकाल सकते हो। पी का भी आपको कोऑर्डिनेट पता है, ए का भी कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 3, 4, 5 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 3, -7। ठीक है, तो ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और पी ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया पी और ये हो गया ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट देखो वाई माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर, और प्लस जेड का देखो जेड माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 माइनस ऑफ 6x, इधर पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस ऑफ 8y। उसी तरह जेड वाला देखो, ये जेड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 25 और माइनस ऑफ 10z। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, और एक्स वाला टर्म ये आ गया माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 10z, और जितने भी कांस्टेंट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 प्लस 16 और दैट इज 25 और इधर में भी 25 यानी प्लस 50। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया पी ए स्क्वायर। इन द सिमिलर वे पी बी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो पी का कोऑर्डिनेट ये है और बी का कोऑर्डिनेट ये है। सिंपल, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स और माइनस ऑफ 1 यानी कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट देखो वाई माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, और जेड कोऑर्डिनेट देखो क्या है, जेड और ये माइनस ऑफ 7, यहाँ माइनस है और माइनस ऑफ 7 यानी प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया पी बी स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखो पी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, वाई माइनस 3 होल स्क्वायर है ना, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस ऑफ 6y। ओके, अब जेड का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, जेड प्लस 7 का होल स्क्वायर है ना, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और वो आपका पी बी स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, 2x है, वाई माइनस ऑफ 6y हो गया प्लस 14z। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट देखो 1 है, 9 है, 49 है, यानी कि 59 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आपको एक कंडीशन गिवन था क्या, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, और आप दोनों वैल्यू निकाल चुके हो, पी ए स्क्वायर भी फाइंड आउट किए हो, यहाँ देखो ये वाला, और ये हो गया आपका पी बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हम लोग पी ए स्क्वायर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है, देखो ये वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 6x था, और क्या क्या था, देखो 8y माइनस ऑफ 10z, माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 10z, और कुछ कांस्टेंट था क्या, प्लस 50। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी ए स्क्वायर। अब पी बी स्क्वायर ये फाइंड आउट किया ना, इसकी वैल्यू क्या करते हैं, लिख देते हैं इसकी वैल्यू भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 6y प्लस 14z प्लस 59 एंड विच इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, सो इसको सिंपली सॉल्व करना है एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब देखो x वाला टर्म देखो, यहाँ 6x है, यहाँ 2x है ना, तो यानी कि ये आ गया माइनस ऑफ 4x। y वाले टर्म को देखो,
यहाँ देखो माइनस ऑफ 8 है माइनस ऑफ 6 है, यानी कि हो गया 12 14, क्लियर है। अब जेड वाले टर्म को देखो, ये है और एक ये है ना, माइनस ऑफ 10 और प्लस 14 यानी कि प्लस 4z। अब आती है कांस्टेंट की बारी, ये हो गया 15 और ये हो गया 59 यानी कि प्लस 109 व्हिच इज इक्वल टू k स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ऑफ 4, 2z है, 4x माइनस ऑफ 14y और इधर पे 4z, और ये 109 को हम लोग RHS में भेज देते हैं, k स्क्वायर माइनस ऑफ 109, ठीक है। अब ये होल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, LHS में 2 कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 7y और इधर पे प्लस 2z, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए। ओके, तो ये आगे आपका डिवाइड हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 109 बाई 2, ये आपका इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। एंड आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट, सो स्टे ट्यून विद माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स ऑल, कीप प्रैक्टिस एंड बाय।